अब देखो वीडियो स्टार्ट कर ही रहे हैं तो सबसे पहले आप लाइव प्रूफ देख लो भाई साहब। मूवी क्विक एप्लीकेशन जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, 1.5 लाख रुपए का अप्रूवल मिला है और नीचे आप देख सकते हैं विड्रॉ टू बैंक, एक क्लिक करेंगे और ये जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वेल गाइस, अगर आपको भी पैसे की रिक्वायरमेंट है और भाई साहब यहाँ पे आप लोन अप्लाई करने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मेरा मानो 5 से 10 मिनट का टाइम निकालो और इस वीडियो को पूरा देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद मोबी क्विक एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है भाई साहब ए टू जेड प्रोसेस इसी वीडियो के अंदर खोल के रख देंगे। अब देखो कहने के लिए तो मोबी क्विक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे लोग लोन अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 2-3 ऐसे स्टेप्स के अंदर आप मिस्टेक कर रहे हो और आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जा रहा है। तो देखो वीडियो को गौर से देखो और ध्यान से सुनो, एक एक स्टेप यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। और बात करें अगर मोबी क्विक लोन एप्लीकेशन के बारे में भी, तो यहाँ पे आपको विदाउट इनकम प्रूफ पे भाई साहब लोन दिया जाता है, तो अपनी आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिहाफ पे लोन अप्लाई कर सकते हो। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए मोबी क्विक एप्लीकेशन से बेसिकली लोन अप्लाई करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड किया है। अब देखो यहाँ पे अगर लोन अप्लाई करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे ही क्लिक करना, क्योंकि स्पेशली वहां पे लोन वाला सेक्शन इनबिल्ट है। तो सबसे पहले आप लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और एक बार जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है उससे पहले भाई साहब मोबी क्विक के बारे में तो कहना ही कुछ नहीं है, क्योंकि 4.5 स्टार है और 50 मिलियन प्लस लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। तो भाई साहब मार्केट का तो किंग वैसे ही है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड हो जाता है सिंपली यहाँ से आप ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करना है। तो अपना मोबाइल नंबर डाल के आप कंटिन्यू करिएगा, एक ओटीपी आएगा और उसके बाद आप सक्सेसफुली मोबी क्विक एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अब एक बार जैसे ही आप एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे आपसे केवाईसी वगैरह बहुत कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, करना कुछ नहीं है, बैक आते रहिएगा। यहाँ पे सिंपली आप आई डोंट वांट बेनिफिट्स वगैरह पे क्लिक करिएगा और फाइनल में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं और बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूजन है, एक है जी पे लेटर और एक है लोन। देखो एक जो पे लेटर वाला सेक्शन है यहाँ पे आप एक लिमिट ले सकते हो और उस लिमिट को आपको यूज करना है, लेकिन यहाँ पे हमें लोन के लिए अप्लाई करना है, फ्रेश पर्सनल लोन के लिए। तो हमें जीप लोन पे क्लिक करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, देख सकते हो 2 लाख रुपए का लोन यहाँ पे आपको दिया जा सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको एक्सेप्ट करना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो लोकेशन, कॉन्टेक्ट और SMS, बस ये 3 ही परमिशन आपसे ये लोग लेते हैं। तो परमिशन को आप अलाउ करेंगे और परमिशन को अलाउ करने के बाद यहाँ पे अब आपको KYC का कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है, तो प्रोसीड टू KYC पे क्लिक करना है। अपना कुछ डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना है जिसके अंदर बहुत लोग मिस्टेक कर रहे हैं, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है, तो देखो आपके पैन कार्ड में जो आपका नाम इंटर है सेम एज इट इज वहाँ पे आपको नाम इंटर करना है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है, तो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका पैन नंबर लिखा होता है और डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पे एक्सेप्ट करेंगे और नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देता है, आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे केस में हमारा फोटोग्राफ्स, हमारे नाम, हमारा आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, हमारा पूरा एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। अब देखो अगर आपने मोबी क्विक के अंदर अपना KYC नहीं किया होगा तो आधार नंबर भी आपसे मांगा जाता है और उसपे एक OTP सेंड करके आपका KYC कंप्लीट किया जाता है, लेकिन हमारा CKYC डिटेल इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है। हम यस इट्स मी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक सेल्फी लेने का ऑप्शन आता है, तो टेक अ सेल्फी पे क्लिक करना है और एक मुस्कुराता हुआ सेल्फी यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अब एक बार सेल्फी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना कुछ और भी बेसिक डिटेल फिल करना है, जैसे कि आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मैं एक केस क्लियर कर दूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं और यहाँ पे आप सिविल के बिहाफ पे लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला सेक्शन है इसके अंदर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपको लोन मिल भी सकता है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। बाकी आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये सेलेक्ट करना है और नीचे आपको अपनी फादर नेम, आपका पर्सनल ईमेल आईडी और आपकी मंथली इनकम ये बताना है। अब देखो यहाँ पे जो ईमेल आईडी वाला बात है, तो आपकी ईमेल आईडी बेसिकली जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, जो आपके पैन कार्ड में है, वो वाला डालना ताकि एक आपको अच्छा लोन अमाउंट मिल रहा है। और दूसरा यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब आपको इंटर आपका जो मंथली इनकम पूछा जा रहा है इसमें आप 20,000 प्लस ही रखना ताकि एक अच्छा लोन अमाउंट यहाँ पे आपको ऑफर किया जा सके। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो भाई साहब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें 2 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से मिल सकता है। देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिया जा रहा है वो 2.75% पर मंथ है, पर एनम नहीं है, इतना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। और यहाँ पे जो लेंडिंग पार्टनर है वो भी आपको देखने को मिल जा रहा है। तो देखो यहाँ पे अप टू हमें 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, तो घबराओ नहीं, इसके लिए आप टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही एक्सेप्ट करते हो अब आपको यहाँ पे अपनी बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करवानी है और यहाँ पे मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जिसके नाम से लोन अप्लाई कर रहे हो उन्हीं के बैंक अकाउंट में पैसा
यहाँ पे भेजा जाएगा। तो इसके लिए आप यूपीआई के माध्यम से अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हो यूपीआई आईडी देके। और दूसरी प्रकार से आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपना यहाँ पे अकाउंट डिटेल जैसे कि अपना अकाउंट नंबर, एफएससी कोड, अपना नाम वगैरह डाल सकते हो और उसमें आपको ₹1 सेंड करके यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लिया जाएगा। तो जैसे ही हम एड बैंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका आईएफएससी कोड मांगा जा रहा है। तो आप अपना खाता नंबर और आईएफएससी कोड दोनों यहाँ पे फिल करेंगे। मैं दोबारा से आपको बोलना चाहता हूँ कि जिनके नाम पे लोन अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं का यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालना है। इसके लिए आप यहाँ से नीचे कंटिन्यू करेंगे। एक बार जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पे ई मैंडेट सेट करना है। बेसिकली देखो, ये ई मैंडेट वाला जो झोल है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब आप यहाँ से लोन ले रहे हो और आपकी जो ईएमआई कटने वाली है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली काटा जाता है और यहाँ पे जो आप बैंक डिटेल आप दिए हो जिसके अंदर आपको लोन का पैसा चाहिए उसी से आपको ई मैंडेट करना होता है। इसके लिए आपके पास उसका एटीएम कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, अगर दोनों में से कोई है तो इसी के माध्यम से आपका ई मैंडेट किया जाएगा। तो देखो, यहाँ पे हम डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने जो भी बैंक यहाँ पे दिया है उसका एटीएम कार्ड हमारे पास है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ई मैंडेट का फॉर्म खुल चुका है जिसमें आपका डेट और यहाँ पे लोन अमाउंट क्या है। तो यहाँ पे 2 लाख का लिमिट था तो इसमें हमने 1 लाख रुपए तक के लिए लोन अप्लाई किया है। इसके लिए यहाँ पे आपका पूरा बैंक डिटेल भी आपको देखने को मिल जा रहा है। आप किस माध्यम से करना चाहते हैं, तो डेबिट कार्ड हम सेलेक्ट करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आपसे आपकी कार्ड डिटेल मांगी जा रही है। तो जो भी बैंक डिटेल यहाँ पे आपने फिल किया है उसी का कार्ड नंबर, मंथ ईयर, सीवीवी और आपके कार्ड के ऊपर आपका क्या नेम प्रिंट है वो फिल करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड बैंक के ऊपर एक ओटीपी जाएगा और आपके अकाउंट से ₹118 डेबिट किया जाएगा जो कि ई मैंडेट के लिए किया जाएगा। और यहाँ पे जो आपका ई मैंडेट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ई मैंडेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ई मैंडेट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कंग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ चुका है, हमारा पर्सनल डिटेल्स, ऑफर, बैंक वेरीफाई सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लास्ट स्टेप बच चुका है जिसके अंदर ये जो लोन का पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। तो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है उसको चेक किया जाता है। 3 घंटे बाद जब मैंने दोबारा से एप्लीकेशन ओपन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 लाख रुपए का कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है और विड्रॉ टू बैंक पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं ये जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो भाई साहब, मोबीक्विक एप्लीकेशन से कैसे लोन लेना है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने से लेकर लोन अप्लाई करने तक का पूरा प्रोसेस बता दिया है। अब देखो, मेरा क्या मानना है इस लोन को लेकर कि आपको ये लोन अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जो ₹118 आपके अकाउंट से काटा जा रहा है वो ई मैंडेट के लिए काटा जा रहा है और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.75% पर मंथ के हिसाब से है। तो यहाँ पे आपको मंथली 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और यहाँ पे अगर आप इसे कैलकुलेट भी करें तो यहाँ पे 40 या फिर 45% के आसपास ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चला जाएगा। तो भाई साहब, लोन अप्लाई करने से पहले एक बार समझ लीजिएगा, अगर आपको पॉकेट फ्रेंडली लगे तभी लोन के लिए अप्लाई करिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको अब भी डाउट या फिर कंफ्यूजन मोबीक्विक लोन को लेकर है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।